टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कलवा मुमरा में करीब 20 से 25 हज़ार वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें मुस्लिम और दलित शामिल हैं, ऐसा आरोप गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट ने किया है। ये सनसनीखेज खुलासा करते हुए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोगों ने मेरे ध्यान में लाया है कि मुमरा में 20 से 25 हज़ार नाम काट दिए और उधर ऐसा लिखा गया है कि नॉट अवेलेबल, शिफ्टेड, लोग वहीं पे रह रहे हैं। हमको मालूम है लोग वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आ गया शिफ्टेड। ये झूठ काम करते हैं, कोई जाता नहीं वोटर के लिस्ट बनाने के लिए वोटर के घर पे। ये कहां से लिस्ट बनती ये भी नहीं मालूम, किसी को पूछने को जाओ जिला अधिकारी को, कलेक्टर को, तो वो तो बात उसको मालूम ही नहीं रहती। गैर जिम्मेदारान हरकत करते हैं, वोटिंग कम हो जाता है और खास करके मुसलमान और दलित इनके नाम काटने का इन्हें काम ही किया जाता है, उनका उनको वोटिंग का हक ही नहीं रखते। यानी आज भी भारत में यह अवस्था है कि यहां का मुसलमान और यहां का दलित इसको नागरिकत्व का कोई हक ही नहीं दे रहे। आधार कार्ड बनाया ना तुमने, किसके लिए बनाया आधार कार्ड? आधार कार्ड लिंक कर दो ना वोटर लिस्ट से, तो आपको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। आप डरते हो? आधार कार्ड बनाया किस लिए? मोबाइल को आधार कार्ड चाहिए तुमको, और वोटिंग लिस्ट को क्यों नहीं चाहिए? वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो किसी का भी नाम इधर का उधर होगा नहीं, एड्रेस का आता पता ये हो जाएगा, सबको बराबर वोटिंग लिस्ट मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएंगे, वोटर नंबर मिल जाएंगे, वोटिंग बढ़ेगा, सही से वोटिंग होगा। ये जानबूझ के ही काटे जाते हैं। जो आदमी उधर रह रहा है उसको आप बोलते हैं शिफ्टेड, फिर उनके नाम दोबारा चढ़ाने के लिए। हाँ, तो वो एक बड़ी सर्कस है, फिर लाइन में खड़े रहो, फिर उनका नाम डालो, उनका नाम आता ही नहीं। तो मेरा नाम था, अब मेरा नाम आप काट दोगे और मैं फिर दो काम को जाने के लिए छुट्टी लूं, फिर आपके पीछे आऊं, फॉर्म भरूं, साहब मेरा फिर से नाम लाओ, क्यों? विधानसभा में जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें भी घोटाले थे, अब महापालिका की लिस्ट बन रही है कलेक्टर के नेतृत्व में, उसमें भी घोटाले हैं।